सीक्रेट एजेंट हम लोग को फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ फांसी के लायक। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फिल्मी तड़का पर। दोस्तों आज फिर से लेकर आई हूँ साउथ की टॉप 7 मिस्ट्री क्राइम सस्पेंस थ्रिलर फिल्में। इन सभी मूवीज में भरपूर मिस्ट्री और सस्पेंस है जो स्टार्ट टू एंड तक आपके माइंड को उलझा कर रख देगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी मूवी को मिस ना कर दें। आज की इस वीडियो में मैंने एक हिंदी मूवी को भी इंक्लूड किया जो काफी थ्रिलिंग है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि मेरे लेटेस्ट आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियोस काउंटडाउन। नंबर 7 पर है अवुनु 2, जो 2015 में आई तेलुगु लैंग्वेज की हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे IMDb की तरफ से 4.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है और 77% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। इस मूवी को हिंदी में आत्मा का घर 2 नाम से डब किया गया है। मूवी में लीड रोल निभाते नजर आएंगे शना कसीम, रवि बाबू, हर्षवर्धन राणे, निकिता ठुकराल, रवि वर्मा, प्रभास शीनू के साथ साथ और भी के स्टार। बात करें स्टोरी की तो स्टोरी बेस्ड है मोहिनी और हर्ष पर, जो अपने पुराने अतीत को भुलाकर एक अलग शहर में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब नए घर में शिफ्ट होने के बाद मोहिनी को एक बुरी आत्मा फिर से सताने लगती है। तो दोस्तों वो आत्मा किसकी है और मोहिनी को क्यों सता रही है ये तो आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। मूवी में सस्पेंस, थ्रिल, हॉरर सब कुछ है और अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया तो इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नंबर 6 पर है विधि मादी उल्टा, जो 2017 की रिलीज क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे हिंदी में ठगबाज नाम से डब किया गया है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई और 79% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। मूवी में लीड रोल निभाते नजर आएंगे जननी अय्यर, डैनियल बालाजी, सैंड्रियान, रमी राजा, चित्रा लक्ष्मण के साथ साथ और भी कई स्टार। बात करें स्टोरी की तो स्टोरी बेस्ड है आदि पर, जिसे एक अजीब सपना आता है जिसमें उसका और उसके फैमिली का कुछ गैंगस्टर मर्डर कर देते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसका ये सपना सच होने लगता है। तो दोस्तों क्या आदि अपनी फैमिली को बचाने में कामयाब हो पाएगा, उसका ये सपना सच कैसे हो रहा है ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया तो इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नंबर 5 पर है थांडवम, जो 2012 में रिलीज एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे हिंदी में रेज थांडवम नाम से डब किया गया है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई और 89% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। मूवी में लीड रोल निभाते नजर आएंगे विक्रम, एमी जैक्सन, अनुष्का शेट्टी, जगपति बाबू, राय लक्ष्मी, MS भास्कर के साथ साथ और भी कई स्टार। बात करें स्टोरी की तो स्टोरी बेस्ड है कैनी पर, जो ब्लाइंड है और कुछ लोगों से बदला लेना चाहता है जो लंदन के बम ब्लास्ट में शामिल थे। उस बम ब्लास्ट में कैनी के साथ क्या हुआ था, क्या वो ब्लाइंड होने के बावजूद भी अपना बदला ले पाएगा ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। दोस्तों मूवी कमाल की है जिसमें हर स्टेप पर धमाकेदार ट्विस्ट आते हैं, अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया तो इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नंबर 4 पर है विद्युम मून, जिसे हिंदी में तेज धार नाम से डब किया गया है, जो 2017 में आई तमिल लैंग्वेज की ड्रामा थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई और 93% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। मूवी में लीड रोल निभाते नजर आएंगे पूजा उमा शंकर, विनोद किशन, मालविका, जॉन विजय, जैस्पर, रुबेन के साथ साथ और भी के स्टार। बात करें स्टोरी की तो स्टोरी बेस्ड है रेखा पर, जो एक प्रोस्टिट्यूट है और वह एक 12 साल की बच्ची को इस दलदल में घुसने से बचाने की कोशिश करती है और 4 खतरनाक लोग उनको पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। तो दोस्तों वो लोग उनका पीछा क्यों करते हैं और क्या रेखा उस बच्ची को उस गलत धंधे से बचा पाएगी ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। दोस्तों काफी अच्छी मूवी है, इस मूवी को आप जरूर देखिएगा और अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया तो इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नंबर 3 पर है कनुम कनुम कोलैया डिठाल, जो 2020 में आई तमिल लैंग्वेज की थ्रिलर फिल्म है जिसे IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है और 97% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। मूवी में लीड रोल निभाते नजर आएंगे दिलकार सलमान, रितु वर्मा, निरंजनी, रक्षण, गौतम, विजय सेतुपति, उदय महेश के साथ साथ और भी कई स्टार। बात करें स्टोरी की तो स्टोरी बेस्ड है 2 दोस्तों पर, जो एक ऑनलाइन शॉपिंग जैसे एक बहुत बड़े यूनिक स्कैम को अंजाम देने का फैसला करते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों इस स्कैम के चक्कर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो दोस्तों एक्चुअल में स्कैम क्या है, वो कैसे फंसे और उससे बाहर निकलने के लिए किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। ये एक बेस्ट मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी आपको हिंदी और इंग्लिश सबटाइटल के साथ ही मिले
मिलेगी अभी। अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया तो इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नंबर दो पर है एन पी आर अनंदन, जो 2020 में आई तमिल लैंग्वेज की ड्रामा थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है और 86% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। मूवी में लीडर बातें नजर आएंगे अतुल्य रवि, संतोष, दीपक परामेश, दिव्या, अरुण राघव, माधन के साथ साथ और भी कई स्टार। बात करें स्टोरी की तो स्टोरी बेस्ड है एक शॉर्ट फिल्म मेकर पर, जो अपनी फर्स्ट फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करने वाला ही होता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कुछ किडनैपर्स उसे किडनैप कर लेते हैं। तो दोस्तों, वो किडनैपर कौन है और उन्होंने उस फिल्म मेकर को क्यों किडनैप किया, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। ये एक बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है दोस्तों। ये मूवी अपने सस्पेंस से आपको एंड तक उलझा कर रख देगी। अभी तक ये मूवी तमिल में ही अवेलेबल है, जैसे ही हिंदी में रिलीज हो जाएगी इसका लिंक मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर एक पर है नेल पॉलिश, जो 2021 में आई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई और 96% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। मूवी में लीड रोल बातें नजर आएंगे अर्जुन रामपाल, मानव कौल, आनंद तिवारी, समरीन कौर, दीपक चड्ढा के साथ साथ और भी कई स्टार। बात करें स्टोरी की तो स्टोरी बेस्ड है दो बच्चों की आधी जली लाश पर, जिनका इल्जाम वीर सिंह पर लगता है, जिसे जेल की सजा दी जाती है और उसका केस एक जय सिंह नाम का वकील लड़ता है। तो दोस्तों, असली मुजरिम कौन है, वीर सिंह या कोई और, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी इतनी कमाल की है कि आपका दिमाग हिलाकर रख देगी। ये मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और फुल ऑफ थ्रिल एंड सस्पेंस है। इस मूवी को आप जरूर देखिएगा, एक मस्ट वॉच मूवी है। अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया तो उस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने इनमें से कोई मूवी देख रखी है तो अपना रिव्यू शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।